तो आज ही ऐसी शॉपिंग करने के लिए आई है, लेकिन शॉपिंग जब ही करेगी जब ये उल्टी चल के जाएगी। तो देखिए उल्टा चलना शुरू हो गया है यसी का। तो यहाँ पे हम आए हैं बी बाज़ार, जहाँ पे ये उल्टी चल के जाएगी लास्ट तक। तो यहाँ पे उल्टी चल गई, ये अपने टारगेट को कंप्लीट कर रही है। अब हम इसे पहले शॉपिंग करा दें जो सामान इसे ख़रीदना है। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। और अभी मेरे को थोड़ा सा जाना है मार्केट, तो मैं चाबी देख लूँ। चाबी का हमेशा इशू रहता है, चाबी कहाँ पे रखी है, इसमें तो गाड़ी की चाबी है भी नहीं। तो सीधा चलता हूँ बाहर, शायद बड़े भैया के पास होगी चाबी। तो चाबी भी मिल गई, अभी थोड़ा सा मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा चला लूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फाइनली हम गाड़ी में आ चुके हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाएं एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस डेली तो नहीं हो पाती, लेकिन जब टाइम मिलता है जब एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा घूम आऊँ और फिर आपसे आके मिलता हूँ। हेलो, हेलो, इधर देखो बेटू, देखना। हेलो, चले गाड़ी में देखो ये सलाखों के पीछे बंद मुजरिम, इधर देख। तो फाइनली हम थोड़ा सा घूम के आ गए हैं, और वैसे गाड़ी चलाना तो मेरे को आ गई है, बस ये है कि बैक लेना, साइड लेना, और बहुत सारी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, बाकी का परफेक्ट होने में तो भाई प्रैक्टिस चाहिए, और वो भी लंबे टाइम की प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद सीख जाएंगे फाइनली, कोई दिक्कत नहीं। और जब स्टार्टिंग में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था जब ले जाते थे, और बड़ा डर भी लगता था कि कहीं ठोक ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन अभी नॉर्मल लगने लगी है, जैसे बाइक चलाते हैं ना उस तरीके से। अभी ना काफ़ी ज़्यादा धूप है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। तो और टाइम हो चुका है 2:22, और मेरे को जाना पड़ रहा है बाहर, तो फिर से वही फैक्ट्री जाना है। और बाकी का यूट्यूब का पेमेंट आ गया, यूट्यूब का जो पेमेंट आया लमसम काफ़ी ज़्यादा आया, मैंने नोट करके रखा, क्योंकि हम लोग ना प्लानिंग कर रहे थे कि अपनी यूट्यूब इनकम दिखाएं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरे 3 चैनल हैं, और जो मेरी टोटल इनकम है वो 8,82,812 रुपये के लगभग है। तो मैं वो दिखाने की सोच रहा था। सॉरी, आप लोग ये ना सोचें कि ये मेरी इस मंथ की इनकम है 8,82,000, ये मंथ की नहीं है, लाइफ टाइम की है, मतलब मेरे को जितना टाइम हुआ यूट्यूब पे काम करते करते। बाकी का जो मंथ की इस महीने जो इनकम हुई है वो 35,000 रुपये के लगभग यूट्यूब एड्स के थ्रू हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, तो आके आपसे मिलता हूँ, जितना सा काम है थोड़ा सा तो वो कर कर आके, और 2 घंटे बाद वापस इधर ही आ जाएंगे। तो मैं अभी मिलता हूँ वहाँ पे, जो कुछ होगा देखने लायक या दिखाने लायक वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मार्केट से तो आ गया, मार्केट में जो मेरे काम थे उन्हें कराया। अभी आया तो पता चला कि यसी को भी थोड़ा मार्केट लेके जाना है, कुछ उसको शॉपिंग करने को सामान खरीदना है, तो वो खरीदवा लाऊं और मार्केट जाके देखते हैं क्या होता है। तो अभी फाइनली हम शॉपिंग करने आ गए हैं, ये हमारे पास है वी मार्ट, मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है, तो वहाँ पे आ गए। तो बाकी का स्टार्टिंग में हम लोग मज़े ले रहे थे, क्योंकि यसी का जो बैक वीडियो थी वो हमने एडिटिंग करके ही बनाई थी, बाकी का यसी बोलकर आराम से चल के आई। तो हुआ क्या था, यसी को दिखाने के लिए ये रिवर्स का यूज किया था हमने, यसी करी ऐसे कैसे हो गया। तो फिर इसके बाद हम खाना खाने के लिए भी गए, तो हमने पेटीज वगैरह खाई और भी कुछ सामान खाया, तो उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। चलिए आगे ब्लॉग को देखते हैं। तो अभी ना मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल ठंडा सा, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और रुतवी ना देखो बारिश में बार बार बाहर जाने के लिए और भींगने के लिए करती है,
मतलब इतना ज़्यादा शौक है ऐसे बारिश में भींगने का तो बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, अभी बारिश हो गई है बंद और मौसम थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है और मेरा कूलर ना बाहर रखा रहता है तो पूरा गीला गीला हो गया है, तो ये कूलर इस बार ही चल पाएगा क्योंकि गल चुका है, बाहर रखा रहता है तो गल गया है, तो इसलिए कुछ जुगाड़ देखेंगे अगले सीजन में, इस सीजन में ऐसी टाइम पास कर लें। और मैंने शेविंग कराई ना तो बाल मतलब ऐसा चेहरा हो जाता है ऑयली ऑयली जैसा, देखो बाल तो ठीक कटिंग की है तो ऑयली ऑयली चेहरा हो जाता है। तो आज मैं मार्केट गया था तो इतना सारा सब कुछ आपने देखा होगा, और उससे पहले मैं फैक्ट्री गया था तो उधर से थोड़ा सा काम था, उधर से आया तो आइसक्रीम ले आया तो आराम से आइसक्रीम वगैरह खाई थी, बाकी का घर पे खाना बन रहा है और रुत्वी यहाँ पे घूमने में लगी है। तो आ जाओ देखो ये कौन है। तो बाहर अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ पे चलो, तो आप देख सकते हैं बारिश होने की वजह से मोहित के दोनों फ्रेंड सिर झुका के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बाकी के भैया वगैरह तो सभी लोग यहीं पे बैठ गए हैं लाइट जला के बाहर पार्किंग स्पेस में। तो वैसे चेहरा क्यों छुपा रहे हो, चेहरा क्यों छुपा रहे हो आज भाई सवाल। तो बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, तो बारिश बंद नहीं हो रही उस वजह से दोनों फ्रेंड उसके बैठे हैं यहाँ पे। तो बाकी का मोहित है, बड़े भैया भी हैं, रुद्वी भी है, रुद्वी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है लेकिन मोहित के फ्रेंड बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। नमस्ते करके दिखा दो, बाय नहीं हाय, हाय बोलना होता है, हाय हाथ मिला लो, तो मेरे से हाथ मिला लो, नमस्ते कर दे और डांस करके दिखा दो थोड़ा सा, वो गिर जाएगी, गिर जाएगी। तो देखो रुतबी अभी भी बारिश में भींग रही है बाहर जाके और पूरा एंजॉय करेगी बारिश का, तो या अंदर भी बारिश पानी भी होगा तो वहाँ पे भी भींगने के लिए चली जाएगी। वैसे बारिश बंद हो चुकी है, ज़्यादा बारिश है नहीं अभी फ़िलहाल में, बाय कर तो जा रहे हैं, गए भैया आराम से, ये भैया बाय कर रही है, बाय कर दो बेटा, डांस करके दिखा दो तो बारिश में, डांस करके दिखा दो बारिश में, डांस डांस नहीं कर रही रुतबी, हाँ 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 ऐसे ही डांस करते हैं, गए वो लोग गए, गए वो लोग, राधे 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 बेटू। तो आज बारिश होने से एक फ़ायदा हो गया कि बिना मेहनत दोनों गाड़ियाँ धुल गई, हमारी ये भी धुल गई, हमारी वो भी धुल गई, तो वरना बेकार में इतनी गंदी पड़ी थी सुबह, वैसे भी मैं सोच रहा था इन्हें धोने की, तो अभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोनों काम हो गए। और बारिश ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो तेज़ होने की वजह से सब कुछ अच्छे से धुल गया, बाकी का ये बाहर जाने के लिए जिद कर रही है बारिश में भीगने के लिए, चाऊ माऊ कान पकड़ के ऐसे खींच रही है, कर दो करके दिखा दो सभी को, चाऊ माऊ कर दो कान पकड़ के, चाऊ माऊ मेरे करेगी नहीं 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 मैं नहीं करवा रहा, मैं नहीं करवा रहा कर दे चाऊ माऊ कर दे चाचा के, ओ चाऊ माऊ ऐसे करते हैं, चाऊ माऊ ऐसे करते हैं, अब नहीं करवा रहा मैं, मोहित के कर दे जल्दी, चाऊ माऊ ऐसे, मैं नहीं करवा रहा, पापा के कर दो, कर दो, चाऊ माऊ। अभी क्या है ना कि अभी जैसे बारिश तो बंद हो गई लेकिन बाहर ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि अंदर तो घर के अंदर तो गर्मी लग रही है, तो घर का जो टेम्परेचर है ज़्यादा गर्म लग रहा है जब बाहर से आ रहे हैं, तो अब ये हम कूलर के सामने खड़े हैं तो थोड़ी थोड़ी इधर से साइड से ना हवा आ रही है, तो हवा इतनी प्यारी लग रही है इतनी ठंडी ठंडी। तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि जैसे बारिश थम जाए, अभी थोड़ी बहुत छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं तो वो बंद हो जाए ना, तो उसके बाद सीधा छत पर जाएँ, थोड़ा देर छत पर बैठें और ठंडी ठंडी हवा लें, तो उसके बाद देखते हैं अगर ऐसा कुछ प्लान बनता है तो, अगर बारिश बंद हो जाए तो जाना भी होगा, अगर नहीं होती तो फिर कोई ऐसा प्लान है भी नहीं। बाकी का घर पे सभी लोग खाना खाना शुरू कर दिए हैं बाहर ही बैठ के पार्किंग स्पेस में,
पक्की का गाड़ी वगैरह लगाना बाकी हैं, अंदर रखी जाती है हमारी सारी गाड़ियाँ। वैसे हमारी कॉलोनी में क्या है कि सभी लोग अपनी गाड़ियाँ ना बाहर ही खड़ी करते हैं, और हम लोग अंदर खड़ी इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे घर में स्पेस है। दूसरे लोगों ने जो घर बनवाया है उनमें फोर व्हीलर गाड़ी नहीं रखी जा सकती, लेकिन हमारे घर का स्पेस ज़्यादा है, जो पार्किंग स्पेस है वो ज़्यादा है, उसमें फोर व्हीलर भी खड़ी हो जाती है, और अपनी बाइक वगैरह खड़ी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे हमारे घर का जो बैक साइड है, मेरा जो घर है वो टू साइड में आता है, तो जो बैक साइड है पीछे वाला गेट है तो वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन उधर हम करते नहीं, ओपन स्पेस रखना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने एक चीज़ कभी नोटिस की हो तो आप देख सकते हैं हमारी जो लॉबी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ओपन स्पेस चाहिए था, इस वजह से लॉबी को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनवाया, और सामने स्पेस पार्किंग के साइड में जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और बैक में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमने दिया है। तो वैसे ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।